नगर निगम दुर्ग द्वारा क्षेत्र के हर वार्ड में जाकर शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, पेंशन योजना संबंधित समस्या का समाधान किया जा रहा है। दुर्ग निगम लगभग 30 वार्डों में शिविर लगाया जा चुका है। वार्ड 30 में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग निगम आयुक्त ने पहुंचकर शिविर में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। शिविर में बड़ी संख्या में वार्डवासी अपनी समस्याओं के निवारण हेतु पहुंचे। निगम आयुक्त ने शिविर के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारी दी। ये शासन की योजना है, हर साल लगभग तुहर द्वार तुहर सरकार योजना चलता है, उसके साथ ही साथ इस साल भी प्रतिवर्ष की भांति ये योजना चल रहा है, जिसमें समस्या का निराकरण तत्काल मौके पे ही किया जा रहा है। किस प्रकार की समस्याएं लेके आ रहे हैं? पेंशन संबंधी हो, राशन कार्ड संबंधी हो, अतिक्रमण, वैसे अतिक्रमण का ज़्यादा विशेष आ रहा है। राशन कार्ड पेंशन हमारे माध्यम से महापौर की दिशा निर्देश के अनुसार लगभग तो कार्य चलता ही रहता है प्रतिवर्ष, लेकिन विशेष इसमें अतिक्रमण और पानी की समस्या इसको लेकर आ रही है, लेकिन उसका भी त्वरित निराकरण हो रहा है। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से बस यही अपील है कि शिविर में आए, शिविर का लाभ उठाए, ताकि और उनका काम जल्दी से जल्दी हो सके। अपना परिचय? मनीष बघेल, वार्ड नंबर 27, बोल छपा। प्रशासन जो चलाई जा रही है मुहिम, इस प्रकार की कैसे बताएंगे? माननीय कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश में हम लोग प्रशासन तुहर द्वार कार्यक्रम यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 2-3 वार्ड को क्लब करके वहाँ पे प्रशासन के हमारे लोग जाएं और वहाँ पे जो आम आदमी को जो समस्या है उसके आवेदन प्राप्त करें, उसका त्वरित निराकरण करें। उसी संबंध में शिविर लगाया गया और उसमें किस प्रकार के आवेदन आए हैं उसी का निरीक्षण किया जा रहा था, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको ऐसा शीघ्र हम लोग निराकरण कर लें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने बारे में? जनता से तो मैं मेनली स्वच्छता के लिए अपील करना चाहता हूँ, साथ ही जन सुविधाओं के लिए जो चीज़ बनी है उसमें कृपया अतिक्रमण न करें, ताकि आम आदमी को सुविधा मिलती रहे। और इसी प्रकार से जो आपके आसपास जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको बना के रखें, यही मेरी अपील है।